19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। देहरादून में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 1365 क्रिटिकल बूथ और 809 वल्नरेबल बूथ हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने क्रिटिकल बूथ के भी मानक तय किए गए हैं। यदि किसी बूथ में गत निर्वाचन में 10% से कम मतदान हुआ हो, उसे क्रिटिकल बूथ की श्रेणी में रखा गया है। क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथों के चिन्हीकरण की कार्यवाही सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर के माध्यम से की जाती है। राज्य में सर्वाधिक क्रिटिकल बूथ हरिद्वार जनपद में 344, देहरादून जनपद में 278 और उधम सिंह नगर में 158 पाए गए हैं। सबसे अधिक वल्नरेबल बूथ देहरादून में 243, उधम सिंह नगर में 229 और नैनीताल जनपद में 201 पाए गए हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। क्रिटिकल बूथ का चिन्हीकरण करने के निर्देश पूर्व में दिए गए हैं और इसके लिए विस्तृत मानक भी उनके द्वारा तैयार किए गए हैं। उसके अनुसार बूथ को हम लोग दो श्रेणियों में चिन्हित करते हैं, एक क्रिटिकल बूथ के रूप में और एक वल्नरेबल बूथ के रूप में। वल्नरेबल बूथ उसे कहा जाता है जहाँ पर पूर्व निर्वाचन के दौरान कोई घटना हुई हो जिसमें आपराधिक मामला शामिल हो या फिर वहाँ पर कोई गंभीर घटना या अपराध घटित हुआ हो जिससे चुनाव को बाधित किया गया हो, उन मामलों के उन स्थानों पर विशेष रूप से वल्नरेबल बूथ चिन्हित किया जाता है। इसके अलावा जो क्रिटिकल बूथ होता है उसके भी मानक तय किए गए निर्वाचन आयोग के द्वारा। उसमें एक मानक ये है कि वहाँ पर 10% से कम वोटिंग अगर हुई है गत निर्वाचन में तो उसको क्रिटिकल बूथ की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा ऐसा अगर बूथ है जहाँ पर गत निर्वाचन में 90% से अधिक वोटिंग हुआ है और उसमें से 75% वोटिंग किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के पक्ष में हुआ है तो उस बूथ को क्रिटिकल श्रेणी में चिन्हित किया जाता है। अगर किसी बूथ पर वोटिंग के दिवस पर अधिक लोगों ने, एवरेज से ज़्यादा लोगों ने अगर एपिक के अलावा जो अन्य वैकल्पिक दस्तावेज है वो प्रयोग किए हैं तो उस बूथ को भी क्रिटिकल बूथ में चिन्हित किया जाता है। और जो ASD श्रेणी होती है, एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेड, अगर इन मतदाताओं में से कोई व्यक्ति अगर वोटिंग के लिए आगे आता है उस मतदान के दिवस पर तो उनकी संख्या के आधार पर भी क्रिटिकल बूथ चिन्हित किए जाते हैं। इसी आधार पर हमारे राज्य में क्रिटिकल बूथ और वल्नरेबल बूथ चिन्हित किए गए हैं। हमारे पूरे राज्य में 1365 क्रिटिकल बूथ चिन्हित किए गए हैं और 809 वल्नरेबल बूथ चिन्हित किए गए हैं।